Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 6. And it is by Brain Root series. And here's a book, children. The name of your book is Literary Journeys. And today we are going to start with chapter number 3. And the name of the chapter is The Holy Panchayat. So children, do you know what is panchayat? Panchayat is formed with 5 people. गांव में अक्सर पंचायत बनाई जाती हैं, जो लॉज को बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखते हैं. Let's move on to warming up. The story revolves around characters named Jumman Sheikh and अलगू चौधरी. सो ये जो स्टोरी है ये दो लोगों की है, एक है जुम्मन शेख और दूसरे हैं अलगू चौधरी, हु वर बेस्ट फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, जो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे बचपन से. वंस व्हेन जुम्मन्स डिस्प्यूट विथ हिज आंट वॉज ब्रॉट बिफोर द पंचायत, अलगू हु सर्व्ड एज वन ऑफ द पंचर्स रूल अगेंस्ट जुम्मन. तो एक बार क्या हुआ, जुम्मन जो था उसकी लड़ाई हो गई थी, डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई हो गई थी अपनी आंटी से. तो अब ये लड़ाई कहाँ तक आई, पंचायत तक आई. और वहाँ पे पंचायत में कौन बैठा था, उसका फ्रेंड अलगू बैठा था, जो एक पंच था, उन 5 लोगों में से एक था. अब उसने क्या किया, जुम्मन के खिलाफ एक रूल पास ऑन कर दिया. मीन्स जो भी सिचुएशन थी उसमें जुम्मन के खिलाफ उसने बोल दिया. एंडिंग देयर फ्रेंडशिप, और जिसके बाद उनकी दोस्ती टूट गई. लेट्स रीड दिस हार्ट टचिंग स्टोरी विच रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. तो ये जो स्टोरी है उसे जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ये बहुत ही पक्के दोस्त थे. दे वर पार्टनर्स इन फार्मिंग, और ये जो खेती वगैरह थे उसमें पार्टनर्स थे. सम ऑफ देयर डीलिंग्स वर ऑल्सो डन जॉइंटली, और जो कुछ इनके जो डीलिंग्स थे मीन्स क्या खरीदना है या क्या बेचना है वो भी ये साथ साथ किया करते थे. दे फ्रेंडशिप बिगैन वेन दे वर बॉयज, इनकी फ्रेंडशिप कब स्टार्ट हुई, जब ये छोटे बच्चे थे. एंड जुम्मन्स फादर जुमराती वॉज देयर ट्यूटर, और जुम्मन के जो फादर थे वो इन दोनों के टीचर हुआ करते थे, ट्यूटर हुआ करते थे. जुम्मन हैड एन ऑनेस्ट आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी बट नो अदर क्लोज रिलेशन एक्सेप्ट जुम्मन. सो जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, और उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ जुम्मन ही उनका रिश्तेदार था. जुम्मन हैड रिक्वेस्टेड हर टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी इन हिज नेम, जुम्मन ने कहा कि आपकी आंटी आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आप मुझे दे दो, मेरे नाम कर दो. अनटिल द ट्रांसफर डीड हैज बीन रजिस्टर्ड द आंट वॉज पैम्पर्ड, जब तक ये ट्रांसफर डीड नहीं की गई तब तक आंटी का पैम्पर्ड मीन्स बहुत ध्यान रखता था जुम्मन. बट दिस एंडेड एज सून एज द ट्रांसफर डीड वॉज स्टैम्प्ड, जैसे ही ट्रांसफर डीड बन गई, जैसे उस पर स्टैम्प लग गया, अब ये सब कुछ खत्म हो गया. आंटी का ध्यान रखना सब कुछ जुम्मन ने खत्म कर दिया. नाउ द पुअर आंट हैड टू स्वैलो बेटर वर्ड्स एवरी डे, अब वो जो बेचारी आंटी थी उन्हें रोज जुम्मन के ताने सुनने पड़ते थे. एट लास्ट शी सेड टू जुम्मन, सन आई कैन नॉट गो ऑन दिस लाइक दिस, यू पे मी अ सम फॉर एवरी मंथ एंड आई विल लिव ऑन माई ओन. तो अब लास्ट में आंटी जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जुम्मन के इन कड़वे बातों से, उन्होंने उससे कहा कि बेटा आप मुझे कुछ अमाउंट हर वक्त हर समय दिया करो, एवरी मंथ दिया करो, ताकि मैं अपना गुजारा चला सकूं और मैं आपके साथ ऐसे नहीं रह सकती, मैं अलग से रह सकूं. जुम्मन सेड रूडली, डोंट यू थिंक वी ग्रो मनी हियर, तो जुम्मन ने कहा आपको क्या लगता है यहाँ क्या पैसे उग रहे हैं.
द आंट वॉज अपसेट, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी. शी थ्रेटन टू कॉल द पंचायत, अब उन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं पंचायत में जाऊंगी, वहां जाके तुम्हारी शिकायत करूंगी. जुम्मन लव हर्टेडली लाइक द हंटर हु लव्स टू हिमसेल्फ एज ही वॉचेज द डियर वॉचिंग इन टू हिज ट्रैप. तो जुम्मन कहता है, जो है मन में ही हंसने लग जाता है, वो सोचता है कि कैसी बातें कर रही आंटी. और वो ऐसे, उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कि एक शिकारी हंसता है जब डियर उसके ट्रैप में फंसने वाला होता है. ही सेड वाई नॉट कॉल द पंचायत बाई ऑल मीन्स. तो जुम्मन ने कहा ठीक है, जाइए जाके पंचायत में शिकायत कर दीजिए मेरी, जाइए बुला लीजिए पंचायत को. लेट थिंग्स बी डिसाइडेड वंस फॉर ऑल, चलिए देख लेते हैं पंचायत किसका साथ देती है. वन इवनिंग द पंचायत गैदर्ड अंडर अ ट्री. अब एक शाम क्या हुआ, जो पंचायत थी वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई. द मेंबर्स ऑफ द पंचायत सैट डाउन एंड द ओल्ड वुमेन प्रेजेंटेड हर केस. तो जो भी पंचायत के जो मेंबर्स थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उस ओल्ड वुमेन ने अपना केस उन्हें सुनाया. रामदान मिश्रा, मेनी ऑफ दोज हुज क्लाइंट्स हैड बीन वन ओवर बाय जुम्मन सेड, जुम्मन मिया चूज योर पंचायत मेंबर. सो रामदान मिश्रा, उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स को जिताया था, तो उन्होंने जुम्मन से कहा कि आप पंचायत में से चूज कर लो अपना एक मेंबर. डिसाइड जस्ट नाउ, अभी डिसाइड कर लो आप किसे चूज करना चाहते हो. आफ्टरवर्ड्स यू विल हैव टू एक्सेप्ट देयर जजमेंट. तो अब आप जैसे भी चूज करोगे उसके जजमेंट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जुम्मन सेड द वर्ड्स ऑफ द पंचायत इज द वर्ड ऑफ अल्लाह. उसने कहा पंचायत जो भी बोलेगी उसे मैं ऐसा मान लूंगा कि अल्लाह ने मुझसे बोला है, मेरे भगवान ने मुझसे बोला है. लेट माई आंट चूज एनी वन शी वॉन्ट्स, आई हैव नो ऑब्जेक्शन. तो अब जुम्मन ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पंचायत का फैसला है वो मैं मान जाऊंगा. अगर आप ये जो है अपॉर्चुनिटी देना चाहते तो मेरी आंटी को दो, उन्हें बोल दो कि वो जिसे चूज करना चाहे वो चूज कर सकती हैं. मुझे इस बात पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है. द ओल्ड वुमन सेड, अब वो जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या बोला, होप यू ट्रस्ट अलगू चौधरी. तो अब उस बूढ़ी औरत ने, आंट ने बोला है, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि तुम अलगू चौधरी को ट्रस्ट करते होगे. आई एक्सेप्ट हिम एज अ सरपंच, मैं उसे अपना सरपंच मानती हूँ. जुम्मन वॉज डिलाइटेड बट हाइडिंग हिज फीलिंग्स ही सेड लेट इट बी अलगू. तो जुम्मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया अलगू के पंचायत बनने से. अब उसके दिल में जो है बहुत सारी खुशियाँ घूम रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी. उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब उन फीलिंग्स को उसने छुपाया. उसने कहा कोई बात नहीं, अलगू को ही हम पंचायत बना लेते हैं. फॉर मी रामधरन एंड अलगू आर द सेम. सो उसने बोला जुम्मन ने कि कोई बात नहीं, मेरे लिए रामधन और अलगू दोनों ही बराबर हैं. अलगू डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस. अब अलगू चाहता था कि वो इस मैटर में ना पड़े. ही सेड खाला यू नो दैट जुम्मन इज माई क्लोज फ्रेंड. तो अब अलगू ने क्या कहा कि खाला आपको पता होगा कि अलगू मेरा फ्रेंड है. द ओल्ड वुमन सेड सन नो अदर बार्टर्स हिज, नो वन बार्टर्स हिज ईमान फॉर फ्रेंडशिप. तो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने कहा कि बेटा मुझे पता है कि कोई भी अपनी फ्रेंडशिप को अपनी सच्चाई के सामने नहीं आने देता है, दोनों में डिफरेंस रखता है. गॉड रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, मुझे पता है कि आप पंचों के दिल में भगवान रहते हैं. वॉट एवर द पंच से इन द वर्ड ऑफ गॉड, जो भी पंच कहेंगे मुझे पता है वो सच कहेंगे, सही का साथ देंगे, और जो भी वो कहेंगे मैं ऐसा मान लूंगी कि भगवान ने कहा है. अलगू सेड शेख जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों पुराने दोस्त हैं. But you, but at this moment, you and Khala are equal in my eyes. लेकिन इस समय क्या है, तुम और जो खाला जान है वो हम दोनों, तुम दोनों जो है मेरी आंखों में equal हो, बराबर हो.
यू कैन पुट फॉरवर्ड योर केस बिफोर द पंचायत. अब तुम अपना केस पंचायत के सामने बता सकते हो. आफ्टर लिसनिंग टू बोथ द पार्टीज अल्गो अनाउंस द जजमेंट. अब दोनों की बात को सुनने के बाद अल्गो ने कहा कि ठीक है, मैं अब आपको जजमेंट सुनाता हूँ कि हमने क्या डिसाइड किया. शेख जुम्मन द पंचायत हैज कंसिडर्ड दिस मैटर. टू अस इट लुक्स फेयर एंड जस्ट दैट खाला जान बी गिवेन अ मंथली अलाउंस. तो अब जो अलगू ने जो भी पंचों का जो भी डिसीजन था उसे बताया और उन्होंने कहा कि शेख जुम्मन, हम सब पंचायत ने आपकी सारी बातों को सुना है और हमने फैसला लिया है कि आप खाला जान को हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट रुपीस दोगे. वी आर ऑफ द व्यू दैट द प्रॉपर्टी इज वैल्यूएबल इनफ टू प्रोवाइड खाला जान अ मंथली अलाउंस. हमें ये बात भी पता है कि खाला जान ने जो आपको प्रॉपर्टी दी है उसमें से इतने ज़्यादा पैसे हैं उसमें कि आप उसमें से हर महीने उन्हें कुछ अमाउंट दे सकते हो. This is our decision. यह हमारा decision है. जुम्मन was stunned to hear this decision. अब जुम्मन जो है वो तो सोच रहा था कि उसके पक्ष में उसका दोस्त जो है decision देगा, but decision just उससे opposite था. तो वो ये सुन के बहुत ज़्यादा क्या हो गया, upset हो गया, वो हैरान हो गया. This judgment shook the very basis of Algu and Jumman's friendship. अब इस डिसीजन से दोनों की दोस्ती में दरार आ चुकी थी. द ओल्ड इंटीमेसी वॉज गॉन. जो पुरानी दोस्ती थी वो अब नहीं रही. द सक्सेस इन डूइंग अ गुड डीड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कम. सो किसी भी अच्छे काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. बट नो, नॉट सो इन द केस ऑफ बैड डीड्स. लेकिन बैड डीड्स जो है तुरंत ही कर दिए जाते हैं. एंड द अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक At Algu came to Jumman very soon. और ये जो opportunity थी ये जल्दी ही आने वाली थी Algu और Jumman के पास. A year ago, एक साल पहले Algu had purchased a handsome pair of oxen for Bateser. तो एक साल पहले की बात है ये. Algu ने क्या खरीदे थे, एक जोड़ी oxen means बछड़े खरीदे थे. कहाँ से? Bateser से. The oxen were of the Pachan breed. ये जो oxen थे ये बहुत ही अच्छी Pachan breed के थे. Out of the pure chance, one of the oxen died just a month after Jumman's panchayat. तो Jumman के पंचायत के एक महीने जस्ट बाद ही क्या हुआ, जो है वो oxen थी वो मर गई. Jumman said to his friends that Algu had been punished for treachery. सो जुम्मन ने अपने फ्रेंड से कहा कि जो अलगू था उसे जो है पनिशमेंट देनी चाहिए इस चीज़ के लिए. वन मे रेस्ट कंटेंट बट गॉड फ्रॉम अबव कीप्स वॉच ऑन आवर गुड एंड बैड डीड्स. तो अब जो है ये सारा मैटर ये बताता है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, आप किसके साथ अच्छा कर रहे हैं और किसके साथ बुरा कर रहे हैं. Algu on the other hand began to suspect that Jumman has poisoned the ox. अब Algu जो है दूसरी तरफ ये सोचने लगा कि Jumman ने कहीं उस ox को जहर तो नहीं खिला दिया. और Jumman क्या सोच रहा था कि Algu को चलो फंसा देते हैं. Algu finally decided to sell off the other ox. अब Algu ने सोचा कि चलो ये जो दूसरा बछड़ा बचा है इसे मैं बेच देता हूँ. A trader named Saju Sahu bought द ऑक्स. अब एक ट्रेडर मिल गया उन्हें जिसका नाम था सजू साहू. उसने उस ऑक्स को खरीद लिया. एज सुन एज ही बॉट इट ही बिगैन टू ड्राइव इट हार्ड. तो जैसे उसने उस ऑक्स को खरीदा उसे बहुत तेजी से वो चला के ले जाने लगा. ही मेड 3 to 4 ट्रिप्स एवरी डे. अब उस ऑक्स के 3 to 4 ट्रिप्स वो रोज लगाने लगा विदाउट केयरिंग टू फीड द एनिमल प्रॉपरली. उस ऑक्स को का ध्यान नहीं रखता था, उसे ना ठीक से खाना खिलाता था, ना उसका ध्यान रखता था, ना उसे प्रॉपर रेस्ट देता था. बट उस ऑक्स से मेहनत करवाता रहता था वो जो ट्रेडर था. वन डे ऑन हिज 4th ट्रिप
समझू पुट। अब एक दिन क्या हुआ, जब उस ऑक्स का फोर्थ ट्रिप था तो समझू ने क्या किया, पुट अ डबल लोड ऑन हिम। तो समझू ने उस ऑक्स के ऊपर दो गुना वजन रख दिया। द ऑक्स कोलैप्स एंड डिड नॉट राइज अगेन। तो वो ऑक्स था वहीं के वहीं, वो गिर गया और वापस नहीं उठा। हु वुड पुल द कार्ट नाउ, ही बर्न्ड विद एंगर। अब वो गुस्से में आ गया, उसने कहा अब ये जो मेरा काम है इसे कौन करेगा। ही हैड सोल्ड मेनी सैक्स ऑफ गुड एंड मेनी टेन्स ऑफ घी एंड वॉज कैरिंग अबाउट 250 रुपीज विथ हिम। तो उसने बहुत सारे जो है बोरे गुड़ के बहुत सारे बोरे जो है बेच दिए थे, टिन बेच दिए थे घी के, और उसके पास 250 रुपीज थे अभी। इन एडिशन देयर वर अ फ्यू सैक्स ऑफ सॉल्ट एंड टिन्स ऑफ ऑयल ऑन द कार्ट। लेकिन अभी भी उस कार्ट पे कुछ बोरियाँ थी सॉल्ट की और कुछ टिन थे ऑयल के। ही कुड नॉट लीव देम देयर। अब जो है वो जो पर्सन था समझू, उस वो उन सब चीज़ों को वहाँ पे नहीं छोड़ सकता था। हेल्पलेस ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द कार्ट। अब उसने सोचा कि चलो इस कार्ट में ही मैं आज का रात बिता लेता हूँ। इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप ही फाउंड हिज मनी एंड सम ऑफ हिज टिन्स स्टोलन। तो जैसे ही वो सो के सुबह उठा, उसने क्या देखा, उसके पैसे किसी ने चुरा लिए और कुछ टिन्स जो ऑयल के थे वो भी किसी ने चुरा लिए थे। He reached home wailing and weeping. और वो रोता रोता घर तक पहुँच गया। When his wife heard the story first, she cried and then started cursing Algu for having sold them an useless ox. तो पहले तो उस डीलर की जो वाइफ थी वो रोने लगी, फिर वो बाद में अलगू को कर्स करने लगी, उसको बुरा भला कहने लगी कि उसने एक बहुत ही यूजलेस ऑक्स उन्हें बेचा था। मैनी मंथ्स पास, बहुत सारे महीने बीत गए। वेन एवर अलगू वेंट टू देयर हाउस टू आस्क फॉर द प्राइस ऑफ द ऑक्स, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वुड स्टार्ट अब्यूजिंग हिम। तो क्या होने लगा, जैसे अलगू जाता था उन हस्बैंड वाइफ के घर, काफ़ी महीनों के बाद वो गया उनसे उस ऑक्स के पैसे लेने, तो वो जो हस्बैंड वाइफ थे उसे गालियाँ देना शुरू कर दे रहे थे। Finally, they decided to go to panchayat. अब उन लोगों ने सोचा कि चलो हम पंचायत जाते हैं। The panchayat began this its meeting. अब पंचायत ने अपनी मीटिंग शुरू की। रामधरन मिश्रा said, why waste our time? Let's elect the five members. तो रामधरन मिश्रा ने कहा कि चलो पांच मेंबर्स इलेक्ट कर लेते हैं। कम चौधरी, whom do you elect? तो चौधरी आओ, तुम किसे इलेक्ट करना चाहते हो, किसे चूज करना चाहते हो? अलगू सेड आई इन अ हम्बल वॉइस। अलगू ने बहुत ही नीची स्वर में बोला, नीची आवाज में बोला, लेट समझू चूज। चलो समझू को चूज करने देते हैं। समझू स्टूड अप एंड सेड शार्पली आई विल चूज जुम्मन शेख। उसने कहा मैं जुम्मन शेख को चूज करना चाहता हूँ। An unawareness of the burden of the responsibility often alters our narrow outlook. तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार के बारे में ना समझना क्या करता है, अक्सर हमें जो है एक अलग आउटलुक देता है। When we lose our way, जब हम अपना रास्ता खो देते हैं, This awareness shows us the light. ये जो awareness, अगर हम aware हैं तो हमें रास्ता दिखेगा। जुम्मन शेख also became conscious of such a responsibility. अब जो जुम्मन शेख थे वो इस responsibility का एक part बन चुके थे। The moment he was given the high office of the sarpanch, जैसे उन्हें सरपंच बनाया गया, he realized that At that moment he was seated on the highest throne of justice. तो उन्हें इस बात का पता चला कि वो कहाँ बैठे हैं, एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं जहाँ पे जस्टिस उन्हें देना होगा एंड righteousness और सच बताना होगा, मीन्स जो सच है उसका ही साथ देना होगा। वॉट एवर ही अटर्ड नाउ वुड बी द वर्ड्स ऑफ गॉड एंड एनी prejudice ऑफ हिज माइंड
must not contaminate that voice. तो अब उसने सोचा कि वो यहाँ इस पोस्ट पे बैठ के जो भी वर्ड बोलेगा वो क्या होगा, भगवान के शब्द होंगे, तो उसे यहाँ पे बैठ के अपनी वॉइस को खराब नहीं करना है, उसे सच का साथ देना है. He must not deviate even a bit from truth. आप जो है उसे ट्रुथ से बिल्कुल भी, डिविएट मीन्स भटकना नहीं है, उसे सच का साथ देना है. He announced the judgment. अब उसने जजमेंट अनाउंस किया. अलगू चौधरी एंड समझू साहू, इट्स अ प्रॉपर, इट इज प्रॉपर दैट समझू शुड पे द प्राइस ऑफ द ऑक्स. समझू को जो भी ऑक्स के पैसे हैं वो अलगू को देने चाहिए. द ऑक्स वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज वेन ही बॉट इट. जब उस ऑक्स को अलगू खरीद के लाया तो वो किसी भी बीमारी से परेशान नहीं था. इफ द प्राइस हैड बीन पेड देन समझू वुड नॉट हैव बीन एबल टू रेज दैट क्वेश्चन. अगर पैसे दे दिए गए होते तो समझू ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता. अलगू चौधरी वॉज ओवरजॉयड. अब वो खुश हो चुका था. ही स्टूड अप एंड शाउटेड विक्ट्री टू पंच परमेश्वर. अब इस डिसीजन को सुनने के बाद अलगू चौधरी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी के मारे वो चिल्लाने लगा कि पंच परमेश्वर होते हैं, पंच परमेश्वर की जय. दिस वॉज इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स. और हर जगह से जो भी लोग इस डिसीजन को देख रहे थे वो सब यही चिल्लाने लगे, क्या विक्ट्री टू पंच परमेश्वर, मीन्स पंच परमेश्वर की जय. एवरीवन एडमायर्ड जुम्मन्स जजमेंट. हर कोई जुम्मन के जजमेंट को एडमायर करने लगा. दिस इज जस्टिस, ये जस्टिस है. दिस इज नॉट द वर्क ऑफ मैन, ये हम इंसानों का काम नहीं है. गॉड हिमसेल्फ रिसाइड्स इन द पंच परमेश्वर. भगवान खुद इन पंच परमेश्वर में आते हैं और डिसीजन सुनाते हैं. At the end, Jumman came to Algu and embracing him said. तो लास्ट में क्या हुआ, जो जुम्मन था वो अपने दोस्त Algu के पास आता है. Embracing him means उसे गले लगा के कहता है, ever since you had given the judgment against me, I had become your enemy. जब से तुमने मेरे खिलाफ judgment दिया था तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था. But today, I have realized that while sitting on that seat of judgment, you are no one's friend or foe. लेकिन आज मुझे इस बात का पता चल गया कि जब आप उस जजमेंट सीट पे बैठते हैं तो उस समय आप ना किसी के फ्रेंड होते हैं ना ही किसी के एनिमी होते हैं. You cannot think of anything except justice. Means सच्चाई और जस्टिस के अलावा आपको उस समय ना कुछ दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है. एंड चिल्ड्रन, डू यू नो फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम? सो इट हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंच परमेश्वर विच वॉज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी विच आर द वर्ड मीनिंग्स. सो हियर द फर्स्ट वर्ड इज डीड. And deed means a legal document that you can sign, specially one that proves that you own a house or a building. So उसे कहते हैं deed. Second is heartily, with obvious enjoyment and enthusiasm. Panchayat, a village council. Mian, Urdu word for Mr. Mr. को Urdu में Mian कहते हैं. Sarpanch is the head of panchayat. Intimacy is the state of having a close personal relation with somebody. Next is khala. Aunt ko hum Urdu mein khala kehte hain. Iman, conscious ko hum Urdu mein iman kehte hain. Jaggery is good. Prejudice or unreasonable dislike of or preference for a person, group, custom, etc. Deviate means stray. So these are the word meaning, children. Kindly, you have to learn them. Now let's move on to book exercise. And here,
Let's move on to comprehension. In the comprehension part, the first is A, which is multiple choice questions. Jumman and Algu were partners in bad deeds, business, friendship or farming. So the correct answer is farming. Whom did the old woman choose as sarpanch? Samju, Algu, her uncle or Jumman? So it is Algu. Jumman made the decision in favor of Algu because of the friendship. He did not want to deviate from the truth. He wanted to win over his friend and he hated Algu. So the correct answer is he did not want to deviate from the truth. Wo truth se dur nahi jana chahta tha. Now the fourth one is, what breed was a handsome pair of oxen Algu purchased? To Algu ne jo oxen kharide the wo kaun se breed ke the? And here are the options. This is your homework. You have to do it yourself. Clear, children? Now let's move on to the next part, which is answer these questions with reference to the context. So yahan pe kuch questions diye gaye reference to context ke. You have to do them. So here the first one is, but at this moment you and Khala are equal in my eyes. Who said these and to whom? So who said this to whom? So Algu said this to Jumman. Algu said to Jumman. Now what is he talking about? He is talking about the problem that Jumman and his aunt bought in front of the sarpanch. What does this line reflect about the speaker? So ye jo line hai ye speaker ke bare mein kya batata hai? So this line reflects that the speaker is justice friendly. He likes to do justice and he speaks whatever is the truth, and for him truth comes first, not friendship. Now there is another question. This is justice. This is not the work of man. Who said this? So this was said by Jumman. And why was the speaker happy? The speaker was happy because he took the right path of justice. And what was justice in this context? So here he was giving justice to his friend Algu and other man in context to the oxen which died. So you can reframe the answers on your own and do it yourself. And with this, children, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.